दिस इज़ पुरु जनुथ्रिया, आप देख रहे हैं एनसीईआरटी बाय पुरु। आज हम राजस्थान जीके के 200 वन लाइनर क्वेश्चन लेके आए हैं। वीडियो पूरी देखना और हमें बताना कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर आते थे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान ललित अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है जयपुर में। राजस्थान ललित अकादमी जयपुर में स्थित है। सेकेंड है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये भी अगेन जयपुर में ही स्थित है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी। थर्ड क्वेश्चन है, राजस्थान का कश्मीर के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो राजस्थान के कश्मीर के नाम से उदयपुर ज़िले को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की थार नगरी किस जिले को कहते हैं? तो राजस्थान की थार नगरी बाड़मेर ज़िले को कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान का सुंदर उद्यान के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो इसका आंसर है कोलायत बीकानेर। सुंदर उद्यान के नाम से कोलायत बीकानेर को जाना जाता है। राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से जैसलमेर ज़िले को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का नवीनतम संभाग कौन सा है? तो अभी नए संभाग बन चुके हैं, इससे पहले क्या था, भरतपुर जो था सबसे नवीनतम संभाग था, लेकिन अभी सीकर, पाली और बांसवाड़ा ये नए संभाग बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पशु जो है वो चिंकारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्य पशु चिंकारा का राज्य पशु का दर्जा कब मिला? मतलब जो अपना राज्य पशु है चिंकारा, उसको राज्य पशु का दर्जा कब मिला था? तो उसको राज्य पशु का जो दर्जा मिला था वो 22 मई 1981 को मिला था। अगला क्वेश्चन है, चिंकारे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो चिंकारे का वैज्ञानिक नाम है गजेला गजेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले को हवेलियों का नगर कहा जाता है? तो ये इसका आंसर है जैसलमेर। तो राजस्थान के जैसलमेर ज़िले को हवेलियों का नगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले की आकृति धनुष के आकार की है? तो इसका आंसर है दौसा। राजस्थान के दौसा ज़िले की आकृति जो है वो धनुष के आकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस संभाग की आकृति जम्मू कश्मीर के समान है? तो राजस्थान के अजमेर संभाग की जो आकृति है वो जम्मू कश्मीर के समान है। अगला है, बाड़मेर जिले की स्थापना किसने की थी? बहाड़राव या बाड़राव ने की थी, ये ठीक है, बहाड़राव या बाड़राव ने की थी। अगला है, राजस्थान के किस जिले की आकृति त्रिभुजाकार है? तो राजस्थान की अजमेर जिले की आकृति जो है वो त्रिभुजाकार है, अजमेर जिले की। अगला है, राजस्थान के किस जिले को झरोकों की नगरी कहा जाता है? तो जैसलमेर। राजस्थान के जैसलमेर जिले को झरोकों की नगरी कहा जाता है। अगला है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है वो अजमेर में स्थित है, आरपीएससी का जो मुख्यालय है वो अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाड़ौती पठार की मिट्टी है मतलब किस प्रकार की है? तो इसका आंसर है मध्यम काली। तो हाड़ौती पठार की मिट्टी जो है वो मध्यम काली है। नेक्स्ट, राजस्थान का वेल्लोर के नाम से प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर है भैंसरोड़गढ़। तो राजस्थान के वेल्लोर के नाम से भैंसरोड़गढ़ प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उसका आंसर है 1 नवंबर। राजस्थान के स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का नालंदा कौन सा जिला कहलाता है? तो कोटा। कोटा जो है वो राजस्थान का नालंदा कहलाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 30 मार्च। राजस्थान दिवस जो है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य की राजधानी क्या है? तो ये तो सबको ही पता है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान में लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं। नेक्स्ट, राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है? उसका आंसर है मातृकुंडिया, रासमी चित्तौड़गढ़। ठीक है, राजस्थान का हरिद्वार मातृकुंडिया। नेक्स्ट, राजस्थान की वस्त्र नगरी कहलाती है? तो इसका आंसर है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जो है वो राजस्थान की वस्त्र नगरी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान हाईकोर्ट कहाँ स्थित है, उच्च न्यायालय? तो राजस्थान हाईकोर्ट जो है वो जोधपुर में स्थित है, लेकिन इसकी जो एक पीठ है, इसकी एक शाखा है, वो जयपुर में भी स्थित है। ठीक है, जोधपुर में 1949 में जो है ये बन गया था जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की औद्योगिक नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो अगेन कोटा, राजस्थान के औद्योगिक नगरी के नाम से फेमस है ये कोटा, और एजुकेशन सिटी के नाम से भी फेमस है ये। ठीक है, सबसे बड़ा हब है कोटा राजस्थान का। नेक्स्ट,
राजस्थान को का कौन सा जिला उद्योगों का नगर कहा जाता है? तो अगेन औद्योगिक या उद्योग सेम, ठीक है, कोटा है। राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी कहाँ स्थित है? इसका आंसर जयपुर, कि राजस्थान की जो ब्रजभाषा अकादमी जो है वो जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का नागपुर कहलाता है? तो इसका आंसर है झालावाड़, झालावाड़। राजस्थान का नागपुर जो है वो झालावाड़ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंकारा के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो चिंकारा के लिए नाहरगढ़ अभयारण्य है जयपुर में, वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का अन्नागार किस जिले को कहा जाता है? तो राजस्थान का अन्नागार जो है वो श्रीगंगानगर को कहा जाता है। राज्य में फलों की नगरी के नाम से जाना जाता है, तो ये भी अगेन श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर को फलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, इसे अन्नागार के नाम से भी जाना जाता है। घोड़ावड़ को राज्य पक्षी का दर्जा कब मिला था? तो घोड़ावड़ जो है उसको 21 मई 1981 को राज्य पक्षी का दर्जा मिला था। राजस्थान के राज्य पक्षी घोड़ावड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राजस्थान के राज्य पक्षी जो घोड़ावड़ है उसका वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स, क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़ावड़ के स्थानीय भाषा में नाम क्या क्या है? तो घोड़ावड़ जो है उसकी स्थानीय भाषा में सोहनचिड़ी बोला जाता है, शर्मिला भी बोला जाता है, ठीक है, अलग अलग ये इसके स्थानीय नाम है। अगला क्वेश्चन है, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कहाँ स्थित है? तो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स जो है वो जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जो है वो जयपुर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो राजस्थान विधानसभा की 200 सीटें हैं। ओके, मोस्टली ये सबको पता रहता है आजकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य कवि कौन है? तो इसका आंसर है सूर्यमल मिश्रण, राजस्थान का राज्य कवि है सूर्यमल मिश्रण, ठीक है। खिचड़ी का वानस्पतिक नाम क्या है? तो ठीक है, खिचड़ी का वानस्पतिक नाम है प्रोसेपिस सिनेरेरिया, ठीक है, खिचड़ी का वानस्पतिक नाम क्या है? प्रोसेपिस सिनेरेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिचड़ी के सर्वाधिक वृक्ष किस जिले में मिलते हैं? तो खिचड़ी के जो सर्वाधिक वृक्ष हैं वो नागौर जिले में मिलते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में ऑपरेशन खिजड़ा नामक अभियान कब चलाया गया? तो राजस्थान में ऑपरेशन खिजड़ा नामक अभियान जो है वो सन 1991 में चलाया गया, ठीक है, 1991 में ऑपरेशन खिजड़ा। नेक्स्ट है, माणिकलाल वर्मा जनजाति विकास शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है उदयपुर, मतलब माणिकलाल वर्मा जनजाति विकास शोध संस्थान जो है वो उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयुर्वेद शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये राष्ट्रीय आयुर्वेद शोध संस्थान जो है वो उदयपुर में स्थित है, ठीक है। यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब जड़ी बूटी जंगल झाड़ी है, इस तरीके से भी अपन थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया? तो वर्तमान स्वरूप जो है वो राजस्थान का वो 1 नवंबर 1956 को आया। ओके, नेक्स्ट है, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो इसका आंसर है बास्केटबॉल, राजस्थान का राज्य खेल जो है वो बास्केटबॉल है, ठीक है, बास्केट, मैं बता रुको, बास्केटबॉल, ठीक है, इस पर ये चंद्रबिंदु लगेगा, ये बास्केटबॉल। अगला, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य गीत जो है वो केसरिया वाला, व्हाट अ फेवरेट, मतलब क्या खतरनाक सॉन्ग है भाई, है ना, केसरिया वाला, अच्छा गाना, सुनना कभी मौका मिले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य जो है वो है कथक। ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब मिला? ये पशुधन श्रेणी में, एक्चुअली अपना जो जनरल राज्य पशु है वो है चिंकारा, लेकिन पशुधन श्रेणी में राज्य पशु जो है वो ऊंट है, इसको दर्जा जो है वो 19 सितंबर 2014 को मिला था। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ये अलगोजा, बड़ा अच्छा नाम है इसका, अलगोजा, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है ये, ठीक है, अलगोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल श्रीलंका के क्षेत्रफल से कितना गुना है? तो 5 गुना है, श्रीलंका जो है राजस्थान में 5 आ जाएंगे, इतना बड़ा क्षेत्रफल है राजस्थान का, ठीक है, तो श्रीलंका के क्षेत्रफल से 5 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागानों की भूमि के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो इसका आंसर है श्रीगंगानगर, बागानों की भूमि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसे अन्नागार के नाम से भी जाना जाता है, फलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, काफ़ी ज़्यादा फसल खेती वगैरह वो सब होती है वहाँ, ठीक है, बागान वगैरह है वहाँ। राजस्थान राज्य पर्यटन निदेशालय कहाँ स्थित है? ये जयपुर में, तो राजस्थान राज्य पर्यटन निदेशालय जो है वो जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो है वो सेवर भरतपुर में स्थित है,
क्योंकि बर्तनों में सबसे ज़्यादा सरसों होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र जो है वो जयपुर में स्थित है। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है जोहड़ बीड़ बीकानेर। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र जो है वो जोहड़ बीड़ बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक चिंकारे किस जिले में देखे जाते हैं? तो सर्वाधिक चिंकारे जो है वो जोधपुर जिले में देखे जाते हैं। अगला है, और सबसे ज़्यादा खेजड़ी की जो खेती वो नागौर में। अगला है, चिंकारा किस जिले का शुभंकर है? तो चिंकारा जो है वो श्रीगंगानगर जिले का शुभंकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की लोढ़ी काशी के नाम से प्रसिद्ध है, मतलब कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा शहर है? तो ये है बांसवाड़ा। लोढ़ी काशी के नाम से प्रसिद्ध है राजस्थान का लोढ़ी काशी, बांसवाड़ा। अगला, राजस्थान की राधा नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो ये है प्रतापगढ़। राजस्थान की राधा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांठल के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो इसका आंसर है, कांठल के नाम से जो है वो प्रतापगढ़ को जाना जाता है। तो प्रतापगढ़ को राधा नगरी के नाम से भी, कांठल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का गौरव कौन सा जिला कहलाता है? तो चित्तौड़गढ़ राजस्थान का गौरव कहलाता है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पक्षी जो है वो घोड़ाबड़ है। ओके, राजस्थान का राज्य पक्षी घोड़ाबड़। राज्य पशु चिंकारा। पशुधन श्रेणी से राज्य पशु ऊँट, ठीक है। और राज्य वृक्ष जो है वो खिचड़ी हो गया। नेक्स्ट, केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो है वो जोधपुर में स्थित है। जोधपुर में मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ठीक है, सेंट्रल का है। नेक्स्ट है, ऊँट के गले का आभूषण क्या कहलाता है? तो ऊँट के गले के आभूषण को गोरबंद कहा जाता है, गोरबंद। नेक्स्ट है, राजस्थान में 24 नए ज़िले प्रस्तावित किस कमेटी ने किए? तो राजस्थान में जो 24 नए ज़िले जो हैं वो जीएस संधु कमेटी ने प्रस्तावित किए थे, जीएस संधु कमेटी। नेक्स्ट है, राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है? तो इसका आंसर है अजमेर। राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग अजमेर है, ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा है? तो राजस्थान का मध्यवर्ती जिला जो है वो नागौर है। नेक्स्ट है, राजस्थान का राज्य कृषि विपणन बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में है। राजस्थान के राज्य कृषि विपणन बोर्ड का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका है कैमलिन, ठीक है। ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमलिन। नेक्स्ट है, राज्य में सर्वाधिक ऊँट किस जिले में है? तो इसका आंसर है जैसलमेर। राज्य में सर्वाधिक ऊँट जो है वो जैसलमेर जिले में है। नेक्स्ट है, ऊँट की कौन सी नस्ल सबसे ज़्यादा सुंदर है? तो इसकी एक नाचना नस्ल होती है ऊँट की, वो सबसे ज़्यादा सुंदर है। ऊँट की नाचना नस्ल सबसे ज़्यादा सुंदर है। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो ये 1952 में हुए थे, ठीक है। राजस्थान में प्रथम आम चुनाव जो है वो 1952 में हुए थे। नेक्स्ट है, राजस्थान की अभ्रक नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो राजस्थान की अभ्रक नगरी के नाम से भीलवाड़ा जिला प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर कहलाता है? तो इसका आंसर है भिवाड़ी, जो अलवर में है। तो राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर कहलाता है ये, भिवाड़ी। नेक्स्ट है, राजस्थान का कानपुर कहलाता है? इसका आंसर है कोटा। राजस्थान का कानपुर क्या कौन सा कहलाता है? ये कोटा कहलाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान की शैक्षणिक नगरी के नाम से, ये भी अगेन कोटा, एजुकेशनल सिटी, ठीक है। नेक्स्ट है, ग्रेनाइट नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो ग्रेनाइट नगरी के नाम से जालौर जिले को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है जयपुर। गुरु नानक संस्थान जो है वो जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपायन संस्थान कहाँ स्थित है? तो रूपायन संस्थान जो है वो बोरुंदा जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, कला संस्थान कहाँ स्थित है? तो कला संस्थान जो है वो जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, संगीत भारती संस्थान कहाँ स्थित है? उसका आंसर है बीकानेर। संगीत भारती संस्थान जो है वो बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा जिला मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो राजस्थान का मैनचेस्टर के नाम से जो है वो भीलवाड़ा जिला जाना जाता है, ठीक है। मॉडर्न मैनचेस्टर भिवाड़ी हो गया, और ये मैनचेस्टर के नाम से भीलवाड़ा। नेक्स्ट है, राजस्थान का तालाबों व बांधों का जिला कौन सा है? तो ये अगेन भीलवाड़ा, ये तालाबों व बांधों का जिला है ये भीलवाड़ा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले को स्वर्णगिरी कहते हैं?
ठीक है, तो सुवर्णगिरी जो हो जालौर को कहा जाता है और स्वर्णगिरी वो जैसलमेर, ठीक है। तो राजस्थान के किस जिले को स्वर्णगिरी, तो ये जालौर, स्वर्णगिरी, और एक होता स्वर्ण सोने वाला, तो वो होता जैसलमेर। नेक्स्ट है राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं, तो सांचौर जालौर, जालौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है, सांचौर जालौर को। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य विद्युत मंडल संस्थान कहाँ स्थित है, तो राजस्थान राज्य विद्युत मंडल संस्थान जो है वो जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य बीज निगम संस्थान कहाँ स्थित है, तो वो भी अगेन जयपुर में स्थित है, राजस्थान राज्य बीज निगम संस्थान जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा है, तो अगेन इसका आंसर जयपुर, सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग है जयपुर। नेक्स्ट भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश के नाम से प्रसिद्ध है, तो ये है विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़, ठीक है। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश के नाम से फेमस है विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर के नाम से प्रसिद्ध है, तो हिंदू देवी देवताओं के अजायब घर के नाम से विजय स्तंभ ही फेमस है। नेक्स्ट है राजस्थान की अणुनगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है, तो राजस्थान की अणुनगरी के नाम से रावतबाटा, डिस्ट्रिक्ट कोटा में आता है सिटी, ठीक है। रावतबाटा एक तहसील टाइप का है, ठीक है, जिला कोटा हो गया, रावतबाटा कोटा, कोटा ज़िले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर कथक केंद्र कहाँ स्थित है, अरे ये तो इसके नाम से फेमस है, जयपुर कथक केंद्र जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान का सबसे कम साक्षरता वाला संभाग कौन सा है, तो ये जोधपुर, सबसे कम साक्षरता है जोधपुर में। नेक्स्ट राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला संभाग कौन सा है, तो जोधपुर, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला संभाग है ये जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की देवनगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है, तो राजस्थान की देवनगरी के नाम से सिरोही ज़िले को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीलों की नगरी के नाम से कौन से ज़िले को जाना जाता है, तो इसका आंसर है उदयपुर, भीलों की नगरी से भीलों की नगरी के नाम से उदयपुर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है फाउंटेन व माउंटेन के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो अगेन फाउंटेन और माउंटेन के नाम से उदयपुर ही प्रसिद्ध है, ठीक है। 100 क्वेश्चन अपन इसमें कर लिए, नेक्स्ट 100 क्वेश्चन अपन अगली शॉर्ट्स में, अगली वीडियो में करेंगे, जिससे कि आप भी वीडियो देखते देखते बोर ना हो और कोई इश्यू ना रहे, ठीक है। आराम से वीडियो देखिए, आप इन 100 क्वेश्चंस में देख के हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कितने सारे क्वेश्चंस के आंसर आते थे। आगे की चर्चा अपन जो है वो अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।